हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के अभी 5:30 हो रहा है और अभी मैं आ चुका हूँ सुबह सरे की तरफ। और दोस्तों सूर्योदय हो चुका है लेकिन बादल लगा हुआ है और धूप नहीं दिख रहा है, बादल है, मेघौनी है इसके लिए। और दोस्तों अभी फुनफुन आ रहा है, कल भी पूरे दिन ऐसा ही रहा, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक जो है ना ठीक था, 5 बजे के बाद फिर फुनफुन आने लगा, छोटा बारिश होने लगा। और अभी भी दोस्तों झियासी पड़ रहा है, दहाड़ का फुहारा जैसे रहता है वैसा बारिश हो रहा है, थोड़ा पता नहीं चल रहा है। तो अभी दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा आगे से घूम के और फिर जब दोस्तों चलते हैं। और आज मेरा नया टी शर्ट है, देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे से घूम करके फिर घर पर चल के और फिर मिलते हैं। दोस्तों टाइम अभी 9:30 हो रहा है और इस समय का व्यू दिखाते हैं। अभी छत पे आया हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों बारिश अभी तेज हो रहा है। ऐसे दोस्तों लगभग 7 बजे से ही थोड़ा फुनफुन आ रहा था लेकिन अभी 9 बजे से बारिश तेज़ हो गया है। 8 बजे के आसपास में थोड़ा तेज़ हुआ था, उसके बाद में फुनफुन आ रहा था, बंद थोड़ा भी नहीं हुआ। 6:30 बजे से 7 बजे से जब चालू हुआ है बारिश, उसके बाद थोड़ा हो ही रहा था। 8 बजे थोड़ा तेज़ हुआ है आधा घंटा के लिए और थोड़ा देर बंद हो गया था, फुनफुन आ रहा था, कम हो गया था। और फिर अभी 9:15 बजे से फिर तेज हो गया है। तो अभी देख सकते हैं कितना तेज बारिश हो रहा है। अभी बादल पूरी तरह से दोस्तों लगा हुआ है, अंधेरा जैसे। और दोस्तों अभी मैं नहाया नहीं हुआ क्योंकि फेरी पर नहीं जाना था, तो आज नहीं नहाया। अभी ब्रश वर्श करके फ्रेश होकर के खाना वाना खा लिए हैं। अभी दोस्तों बुक रीड कर रहे हैं, आज हमारा बुक कौन सा है चलिए दिखाते हैं। दोस्तों आज मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, देख सकते हैं, ये है बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखा गया है, रिच डैड पुअर डैड का सीरीज है। उसी में एक किताब आता है बिजनेस स्कूल, जो कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बनाया गया है, लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों किताब में भी किताब का जो है ना इंट्रोडक्शन ही पढ़ा हूँ, तो इसमें जो है ना बहुत ही बारीकी से बताया गया है, समझाया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ़ायदा है और क्यों करना चाहिए। तो अभी बारीकी से अभी नहीं पढ़े हैं, अभी तो इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे। तो अभी दोस्तों चलते हैं, अभी 10 बजने वाला है, चलते हैं खेती तरफ क्योंकि रुकनी भी होने वाला है। तो इधर रख देते हैं, बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर रख दिए हैं। तो चलते हैं खेत में, तो देख सकते हैं रास्ता का क्या हाल हो गया है, क्योंकि दोस्तों अभी रोपनी का समय है और साथ ही साथ बारिश का भी समय है, तो बारिश भी होता रहता है और आता जाता रहता है ना, हर जुताने के लिए हर दिन में 50 बार आता जाता है। इसके वजह से देख सकते हैं रास्ता का क्या हाल हो गया है, इधर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ, अभी सुबह जो है ना 5:15 बज रहा है, सुबह मॉर्निंग का समय है। अभी का व्यू कुछ इस प्रकार का है, देख सकते हैं चारों तरफ बादल लगा हुआ है। अगर बादल नहीं लगा रहता तो सूर्यास्त मस्त सूर्योदय हुआ होता और सूर्य की रोशनी देख करके जो है ना म्याज दिल पूरी तरह से मस्त हो जाता है। लेकिन बरसात का मौसम है तो बरसात तो होगा ही, इसके देख सकते हैं बादल लगा हुआ है और मस्त हवा चल रहा है सुबह का, बहुत सारा रोपनी जो है ना इधर का अभी बाकी है और बहुत हुआ है, यानी कि समझ सकते हैं कि 50% रोपनी जो है ना हो गया है, 50% बाकी है। तो अभी मैं चल रहा हूँ, चलने का रास्ता भी नहीं बचा है दोस्तों, इतना देख सकते हैं जर्किन और कीचड़ कादो हो गया है, सब क्या हाल हो गया है रास्ता का बार बार ट्रैक्टर आता जाता रहता है ना इसके वजह से। फाइनली दोस्तों अभी मैं खेत में पहुंच चुका हूं, ये हमारा खेत है, तो चलते हैं इस पर बिया उखाड़ते हैं। कॉल दोस्तों आया था ना 10 बजे के बाद, तो उसमें बिया उखाड़ा हुआ था और 4 कट्ठा रोपने का था, तो 4 कट्ठा रोपे जिसमें 1 कट्ठा बाकी रह गया है, तो पानी थोड़ा है तो उसमें बाद में रोपेंगे। और अभी मैं इसमें बिया उखाड़ने जा रहा हूँ, इस वाले में, तो ये हाईब्रिज का बिया है तो ये उखाड़ेंगे। और ये वाला जिसमें रोपना था
उसमें थोड़ा कदवा तो उसमें भी लगा दिया है, लेकिन पानी उसमें कम है, सूखा थोड़ा सूख गया है पानी, तो उसको पहले रोपना जरूरी है। तो इसको उखाड़ते हैं इस वाले को, उसके बाद में जब वो जो सूखा हुआ खेत है वो जब रोपनी हो जाएगा, रोपा जाएगा, उसके बाद में जो बाकी है, कल रोपनी किया बाकी है, वो रोपेंगे। तो चलते दोस्तों, मैं अभी अकेला ही आया हूँ, तब तक मैं उखाड़ता हूँ, पिताजी और मेरा भाई आएगा तो उखाड़ेगा। उसमें दोस्तों पानी भी पटाना है, जिसमें पानी सूखा हुआ है तो बगल वाले खेत में जो है ना पानी है तो बाल्टी से पटाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं, मैं उखाड़ते हैं और भगलू और पिताजी आएगा तो उखाड़ेगा और एक आदमी पानी पटाने भी आएगा। चलते हैं दोस्तों, उखाड़ रहे हैं। उखाड़ते हैं दोस्तों, पानी है, पानी वाला बिया है। उखाड़ने में दोस्तों थोड़ा दिक्कत कर रहा है, जड़ में जो है ना, जड़ में हाथ लगा के उखाड़ना पड़ता है, तो सही है, थोड़ा जल्दीबाजी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कह सकते हैं। सबका बीया ऐसा ही है दोस्तों, बहुत सारे रोपनी तो हो गया है लगभग, लेकिन हमारा, हम लोग का बीया अभी छोटा है, तो इसके वजह से अभी रोपनी स्टार्ट ही हुआ है, बहुत आदमी को रोपनी सूझने वाला है। चलिए लगातार काम करेंगे, लगातार अगर रोपनी होगा ना तो 5-6 दिन में सूझ जाएगा हमारा भी। तो उखाड़ते हैं, जोर लगाना पड़ रहा है दोस्तों बिया उखाड़ने में। ये हो गया है दोस्तों बिया उखाड़ने वाला, ये इधर है जो इधर सब है ना, ये सब छोटा है, लेकिन ये हो गया है। तो उखाड़ते हैं, टूट जाता है दोस्तों, देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी में रुकना है, तो देख सकते हैं पानी बहुत छिप छाप सूखा हुआ है। तो इधर से पिताजी जो है ना पटा रहे हैं बाल्टी से, और थोड़ा पटाते हैं उसके बाद में इधर रोपनी भी चालू हो गया है, भगलू तब तक रोप रहा है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, स्वागत है फिर से चौथा दिन में। दोस्तों आज रोपनी करने का है, चौथा दिन है, फिर से आज मैं घर से निकल चुका हूँ रोपनी करने के लिए। दोस्तों 3 दिन रोपनी हुआ है, आज लगा के चौथा दिन है, तो चलते हैं। आज ज़्यादा नहीं है, 1.5 कट्ठा रोपने का है, तो चलते हैं बिया उखाड़ के रोपेंगे। कदवा उदवा हो गया है, खेत में पहुँचते हैं पहले। दोस्तों इधर बारिश को बादल लगा हुआ है, काला काला, ऐसे तो बादल चारों तरफ है, लेकिन इस साइड में ज़्यादा काला बादल है, बारिश आने की संभावना ज़्यादा है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी दोस्तों चलते हैं, इस तरह का रास्ता है आरी वाला, चल रहे हैं खेत में, अभी बस पहुंचने ही वाले हैं। तो दोस्तों यही वाला खेत कदवा हुआ है, देख सकते हैं सामने वाला, तो इसी में जो है ना रुकना है, पानी है थोड़ा थोड़ा अभी, तो अभी चलते हैं बिया उखाड़ के आते हैं। हाँ दोस्तों अभी बिया वाला खेत में भी आ चुका हूँ, और दोस्तों अभी चलते हैं उखाड़ते हैं। अब पानी दोस्तों इसमें क्या, अब सूखने लगा है, देख सकते हैं पानी, कल भरपूर था, कल पानी भी नहीं बचेगा इसमें, माई अभी उखाड़ रही है, हम भी चलते हैं उखाड़ते हैं। सारा उखाड़ लेते हैं और छोला गुवाहाटी फिर चलेंगे। उखा रहे थे ना, फाइनली दोस्तों सारे बिया उखाड़ लिया, 16 गुवाहाटी उखाड़े हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों भगलू इधर बांध रहा है, एक और दोस्तों मोबाइल में क्या हो गया है कि जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो आवाज़ ही नहीं आता है, तो थोड़ा देर के लिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। दोस्तों आ गया इस खेत में और इसी में रोपना है, देख सकते हैं इधर आंटी है और इधर है बिया के आंटी, और इधर भगलो भी रोपना चालू कर दिया है, चलते हैं मैं भी रोपते हैं। तो टाइम भी 12:30 हो रहा है, 2.5 घंटा समय लगा है, और देख सकते हैं रोपा आ गया, सारा हो गया। और दोस्तों अभी चलते हैं फिर बिया उखाड़ने, क्योंकि पानी सूखने वाला है, तो उखाड़ लेते हैं जो करने वाला है से, और उखाड़ के रेडी कर लेते हैं तो कल और रोपेंगे।
चलते हैं उखाड़ते हैं। आज दोस्तों पांचवा दिन है और आज इसमें रोपना है, तो पिताजी द्वारा भी रोप रहे हैं। कल ही बिया उखाड़ लिए क्योंकि दोस्तों बिरार में बिया वाला खेत में पानी सूखने वाला था इसके लिए, तो बिया उखाड़ लिए हैं और रोपते हैं अभी। अभी दोस्तों सुबह के 6:15 हो रहा है तो सारे रोप लेते हैं। तो दोस्तों अभी बारिश होने लगा है, 7 अभी दोस्तों बज चुका है 7:15 और दोस्तों इतना भी रोपा आ गया, लगभग 4 में 3 हिस्से रोपा आ गया हुआ है। देख सकते हैं भोलू और पिताजी रोप रहे हैं और बारिश थोड़ा होने लगा है तो मोबाइल को यहाँ पे रख देते हैं, नहीं तो गीला हो जाएगा। देख सकते हैं इतना रोपने का है। तो दोस्तों अभी 9:15 हो रहा है, अभी सारा रोपा हुआ हो गया, देख सकते हैं सारा रोपा गया और 3.5 घंटा समय लगा है लेकिन पूरी तरह से कमर दर्द करने लगा, इतने निहुरे निहुरे। अभी दोस्तों हो गया, अभी चलते हैं घर पे। और दोस्तों आज का मौसम देख सकते हैं, चारों तरफ बादल लगा हुआ है अंधेरा जैसे। तो रोपा हुआ तो हो गया, अब चलते हैं सीधे घर पे। आज दोस्तों 5 दिन हुआ है, 5 दिन में लगभग क्या कट्ठा भावलू रोपागल होता है, 16-17 कट्ठा तक रोपा गया। 3 आदमी से रोप रहे हैं, मैं, भगलू मेरा छोटा भाई और मेरे पिताजी, 3 आदमी मिल करके रोप रहे हैं। तो 5 दिन लगा है, 5 दिन में 16-17 कट्ठा रोपा है। थोड़ा और रोपने का है लेकिन अभी बाद में रोपेंगे, तो चलिए अभी चलते हैं। और दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।